दोस्तों, क्या आप एक पपी खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस बहुत ही कम हो? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप कहां पर अपने बजट में पपी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक भी कर दें। सबसे पहली बात दोस्तों, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा यही चाहता है कि उसे बढ़िया क्वालिटी का पपी सस्ते दाम पर मिल जाए। दोस्तों, आज की तारीख में जब महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो सस्ता पपी या कोई भी चीज़ कम दाम पर मिलना कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर हम दिमाग लगाएं तो कम दाम में भी बढ़िया क्वालिटी का पपी खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास पपीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा होता है। दोस्तों, ध्यान से समझें कि ऐसा क्यों होता है, कि जो पपी आपके इलाके में मिलता है वो इतना महंगा क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके और रियल ब्रीडर के बीच मिडल मैन का होना। दोस्तों, आपके पास पहुंचने से पहले एक पपी 3-4 मिडल मैन, जो कि अपने आप को ब्रीडर कहते हैं, से होकर पहुंचता है। जैसा कि मान लीजिए कि मेरी फ़ीमेल डॉग ने पपी दिए हैं, तो जो इंसान मुझसे पपी ख़रीदता है वो किसी और मिडल मैन को बेचता है, और हर मिडल मैन अपना कमीशन 1000 से 1500 रुपये तक ज़रूर कमाता है, जिससे आप तक पहुँचते पहुँचते एक पपी 4 से 5 हज़ार रुपये तक महंगा हो जाता है, जिससे पपी आपको सही मूल्य पर नहीं मिलता। और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपको यूट्यूब पर भी कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप को ब्रीडर ज़रूर कहते हैं, लेकिन असल में वो सभी मिडल मैन होते हैं, जो दूसरे लोगों से पपी खरीद कर महंगे दाम में आपको पपी बेचते हैं। तो दोस्तों, इन ठगों से सतर्क रहें। दोस्तों, इन मिडल मैन की लूट से बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप डायरेक्ट ब्रीडर से पपी लें या उस घर से लें जहाँ पपी हुए हैं, तो आपको पपी कम दाम पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये मौसम सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों में ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसी समय बहुत सारे डॉग शोज़ भी होते हैं। आपको पता ही होगा, वैसे तो पूरे इंडिया में डॉग शोज़ होते रहते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, खासकर पंजाब हरियाणा में, सारा साल डॉग शोज़ होते रहते हैं। दोस्तों, इन डॉग शोज़ के बाहर डॉग मार्केट भी लगती है, जहाँ लोग अपने डॉग्स और पपीज़ को सेल करने के लिए भी आते हैं। और आपने YouTube पर भी कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें डॉग मार्केट और डॉग शोज़ के बारे में बताया होगा। दोस्तों, डॉग शोज़ में ज़्यादातर ब्रीडर ही आते हैं जिन्होंने खुद पपीज़ को जन्म से पाला होता है। दोस्तों, यहाँ आपको चैम्पियन लाइन का पपी ज़रूर महंगे दाम पर देखने को मिल सकता है, लेकिन पेट्स क्वालिटी का पपी आपको ज़रूर सस्ते दाम में मिल जाएगा। दोस्तों, डॉग शोज़ में डायरेक्ट इन ब्रीडर से पपी लेने पर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बीच से मिडल मैन हट जाएगा, और सीधे सीधे आपको 4-5 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। दोस्तों, यही 4-5 हज़ार आप उस पपी की देखभाल और उसकी फीडिंग पर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ पपी खरीद लेने से ही काम ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि शुरू होता है। एक बात याद रखना कि आपके साथ डॉग 12 से 15 साल तक रहेगा, और उसकी ज़िंदगी के पहले 1 साल अगर आप उसकी अच्छे से केयर कर लेंगे, तो उसकी सारी ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी, जो कि इन बचाए हुए पैसों से भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डॉग शोज़ के बाहर आपको डायरेक्ट ब्रीडर से सस्ते दाम पर पपी मिल सकते हैं, तो अपने इलाके में होने वाले डॉग शोज़ में ज़रूर जाएँ। दोस्तों, अगर आपने पपी लेने का मन बना ही लिया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप किसी डॉग शो में ज़रूर जाएं। जिससे क्या होगा, एक तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रीड का पपी लेना चाहिए, क्योंकि डॉग शोज़ में सभी तरह के पपीज़ और डॉग्स आते हैं। दूसरा, आपको नए नए ब्रीडर से संपर्क बनाने का मौका मिलेगा, और तीसरा, आपको कम दाम पर पपी भी मिल जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले डॉग शोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। एक बात और दोस्तों, डॉग शोज़ में कई बार ब्रीडर्स अपने सारे पपीज़ भी लाते हैं, तो आप वहाँ से सारे के सारे या फिर कोई एक जोड़ा भी खरीद सकते हैं। इस तरह आप आगे भी पपीज़ को सेल कर सकते हैं। दोस्तों, एक असली ब्रीडर की निशानी यह होती है कि उसके पास पपीज़ के साथ साथ उनकी माँ भी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो मिडल मैन होते हैं उनके पास सिर्फ पपीज़ होते हैं जो उन्होंने किसी न किसी से ख़रीदे होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। कुछ मेरे भाई मुझसे पूछते हैं कि मैं उन्हें ब्रीडर का नंबर दे दूं, लेकिन दोस्तों, आजकल फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। अगर मेरे खुद के पास कोई पपी होगा तो आपको ज़रूर इस चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और फ्रॉड से बचकर रहें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।